आप उनके सरमन को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं नाजिन जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी के वाले से केवल देख रहे हैं और आज इस हवाला से वन हंड्रेड एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड और आज की टीचिंग होगी ट्रू लाइट हकीकी नूर आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में हकीकी नूर डॉक्टर ऑफ ट्रू लाइट का बताएं और युना रसूल की गवाही के हकीकी नूर हर शख्स को जिंदगी बख्शता है यानी जिंदगी आदमियों का नूर थी इसके बारे में बताएं इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा मसीह में हकीकी नूर की बाबत पलूस की गवाही और खिदमत का बताएं और कलिसिया नूर के फजन का रोशन होना इसके बारे में भी बताएं नाजिन हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तली चार्ट के क्लिप को उसके बाद सवालत के जवाब का आगाज होगा

चौथी आयत से नौवीं आयत तक उसमें ज़िंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया एक आदमी आ मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था मुकाशफा बाईसवां बाब सोलमी आयत मुझे ये सुने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि क्लिसओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ आमीन पस सेमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से एंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी ह्यूमिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट का तजसम उसकी मिनिस्ट्री मरना दफन होना ची उठना बाप के दान हाथ बैठा है और सेकंड कमिंग में आने वाला है हज़ार साल बाद फिर अदालत और अब्दीत के बारे में सीख रहे हैं और आज की टीचिंग टू लाइट हकीकी नूर और पिक्स। और डॉक्टर ऑफ टू लाइट के हवाला से जो अहम मुकाशवा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की ज़ाद के बारे में है और क्राइस्ट ने युना आठवें बाप के अंदर ये क्लेम किया कि दुनिया का नूर मैं हूं तो जब लाइट की बात की जाती है नूर की बात की जाती है तो हर एक समझता है कि दुनिया के अंदर यूनिवर्स के अंदर सूरज से रोशनी मुहैया होती है या चांद सितारों से तो जब कहा दुनिया का नूर मैं हूं तो इसका मतलब क्राइस्ट स्परिचुअली ये बात कह रहा है रूहानी तौर पर ट्रू लाइट की बात कर रहा है और युना रसूल पहले बाप के अंदर यूना की अंजील के अंदर युना यही बयान करता है कि नूर दुनिया में आया और फिर वो लिखता है हकीकी नूर जो दुनिया में आया तो यूना उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करता है कि हकीकी नूर दुनिया में आया ताकि हर एक शख्स को रोशनी दे तो जो ट्रू जो ट्रू लाइट की बात की गई है तो क्राइस्ट ने यही कहा क्लेम किया और रेवलेशन हमारे ऊपर खोला कि दुनिया का नूर मैं हूं और पस सेवन बिलीवर्स और युना रसूल ने यह गवाही दी कि हकीकी नूर जो हर एक शख्स को रोशन करता है दुनिया में आने को था तो वो नूर की गवाही देने के लिए आया मगर खुद नूर ना था मगर जो क्राइस्ट ने क्लेम किया कि दुनिया का नूर मैं हूं तो इसका मतलब कि वो ट्रू लाइट है हकीकी नूर है जो दुनिया को रोशन करने के लिए हर शख्स को रूहानी तौर पर यानी उनकी तारीकी को तीरगी को दूर करने के लिए इस दुनिया के अंदर आया और जसाया नोम बाप के अंदर यही प्रोसी यसाया कहता है इंदोहगी की तीर की जाति रहेगी और यदन के पार कोमो की गलील के अंदर वो जो तारीखी में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका तो जो क्राइस्ट ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं तो ये क्लेम और यह साया की प्रॉपसी इसके अलावा ये साया ने बहुत सी प्रॉपिस की और इसराइल जो तारीखी के अंदर चले गए थे उनके बारे में भी उनको आगाह किया कि उठ मुनवर हो तेरा नूर आ गया कौमे तेरे नूर में चलेंगी और तेरी तजली के अंदर आएंगी तो जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर है और क्राइस के बारे में यहुना ने आकर गवाही दी कि वो नूर की गवाही देने के लिए आया है तो कितना इंपॉर्टेंट कि दुनिया तारीकी के अंदर थी बनी इसराइल तारीकी के अंदर थे और बनी इसराइल ने अपनी होल लाइफ के अंदर खुदा को नाराज किया यह हवा को और बुधप्रस्ती की हर हाँ तरह का गुना उनकी जिंदगी में था और जो कलाम की तशरी नूर बख्शती है और उनको ये लॉ दिया गया मगर उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया वो देखते हुए नहीं देखते थे और सुनते हुए ना सुनते थे और रियाकारी उनके अंदर भरी हुई थी तो मुल्क तारीकी के अंदर था और ये साया यही कहता है वो जो मौत के साये के मुल्क में रहते थे यानी उस कंट्री के अंदर इसराइल के अंदर जहाँ पर खुदा ने अपनी शरीयत अहकाम और उनको ये सारी जायदाद मिराज के तौर पर जमीन दी अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस जो अब्राहम से किया गया मगर उन्होंने उसका पास ना किया और खुदा की लाइक तौर से वर्शिप ना की और याकारी के अंदर रहे और बेफायदा उसका नाम लेते थे गोया तारीख़ी उनकी ज़िंदगी के अंदर थी तमाम मुल्क के अंदर दुनिया के अंदर तारीख़ की गैर गैरकोमें तो हैं ही तीर्गी के अंदर थी तारीखी के अंदर थी पर बनी इसराइल खुद बनी इसराइल नेशन जिसको खुदा मिस्र से उस तारीखी के घर से निकाल कर लाया कनान के अंदर लेकर आया उस गुलामी के मुल्क से निकाल के लेके आया बियाबान के अंदर उनको तजर्बा दिए उनको मान दिया और अबर और आग उनके ऊपर था उनको मालूम था कि यह हवा उनके साथ है चट्टान उनके साथ साथ चलती और रोशनी होली स्पिरिट जो है बराबर उनकी ऊपर साया करता उनको रात को फायर के अंदर सुबह को अबर की सूरत में तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ मुल्क कनान के अंदर प्रॉमिस लैंड के अंदर लेके आया मगर वहां आकर हर एक ने अपना तरीका बिगाड़ लिया और बुध प्रस्ती की तारीख की उनकी जिंदगियों के अंदर छागी उनकी आंखें बंद होगी एक तो उनकी आंखें आदम के गुनाह की वजह से बंद होगी और ओल्ड नेचर उनके अंदर आ गई और इबलीस ने जब हवा को कहा कि जब तू ये फल खाएगी तो तेरी आंखें खुल जाएंगी उसकी आंखें तो खुदा ने रोशन कर रखी थी आदम हवा की पर जब सिन हो गया तो वो ब्लाइंड हो गए यानी अंधे हो गए होगी और ये ब्लाइंडनेस उनके अंदर सिंह नेचर उनके अंदर थी खुदा से अलग हो गए गोया तारीखी उनके ऊपर छा गई और फिर दुनिया के अंदर तारीखी रही मगर खुदा नेशन को मुल्क के मिस्र से निकाला और मुल्क के किनार में लाया और शरीय दिए अहकाम दिए ताकि ये रोशनी को नूर को यह हवा को समझे खुदा की तालीम को जो नूर है उसको ये जाने पर उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ना दिया तो ये साया ने कहा कि जब उनकी ये हालत देखी असीरी की काल वबा की तो साथ ही साथ जब हम ये साया यर्मिया और ओल्ड टस्मेंट की प्रोफेटिक बुक्स के अंदर ये तालीम पढ़ते हैं तो खुदा ने गुना की वजह से उनकी जजमेंट भी की और साथ ही साथ उनकी एटर्नल रेस्टोरेशन के हवाला से मसाया के हवाले से प्रोसी की कि क्राइस जो नूर है दुनिया में आएगा ताकि इनकी तारीखी और दुनिया की तारीखी को दूर करे तो लाइट नूर जो खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया के अंदर आया जिसाया ने यह कहा नो बाप ये साया के अंदर पास बिलीवर्स अंदोहंग की तहरीगी जाती रहेगी और जबलून और नफ्ताली जिनको पहले जलील किया उनके ऊपर खुदा ने यह रहम किया कि यदन के के कोमो की गलील के अंदर वो उनको बुजुर्गी देगा उनको ऑनर देगा उन नेशन को यानी इसराइल को और कोमो की गलील के अंदर वो नूर चमका यानी खुदा का बेटा जब तजस इस दुनिया के अंदर आया तो यहूदिया सामरिया गलील के अंदर वो खिदमत करने लगा और ये सया ने यह पहले कह दिया वो जो लोग तारीकी के अंदर चल रहे थे बनी सैड तारीकी के अंदर चले गए उनकी आंखें बंद हो गई वो यहवा से दूर हो गए शरीय से दूर हो गए अहकाम से दूर हो गए तो वो उस मुल्क के अंदर जो मौत के साया का मुल्क बन गया यानी मौत गुना उनकी जिंदगी में राज करता था और यहूदिया सामरिया के अंदर लोग खुदा से दूर थे और हर तरह की बीमारी ने उनको आग घेरा था और वो रोमन गवर्नमेंट के अंडर थे वो जिनको आजाद किया था फिर गुलामी के अंदर आ गए उन्होंने यह से दूरी इख्तियार की और जब खुदा का बेटा आया इस जमीन के ऊपर तो लिखा गोमो की गलील यदन के पार वो बुजुर्गी देखेंगे वो जो मौत के सहायक मुल्क में रहते थे लिखा उन्होंने बड़े उनके ऊपर नूर चमका जो तारीकी में चल रहे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी यानी खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया के अंदर बनिसाइल के दरमियान आया तो उनकी तारीख के गुनाह दूर किए उनको निजात दी और हर शहर के अंदर किए की खोली बैरों के कान खोले लंगड़ों को छपा दी और वो हरियों की मानत चौकड़ियां बनने लगे और बीमार ठीक होने लगे कोड़ी पाक साफ होने लगे मुर्दे जिंदा होने लगे वो जो गुनाह की हालत के अंदर थे उन्होंने जब मुसाया को देखा कि वो बीमारियों से शिफा दे रहा है गुनाहों को दूर कर रहा है पांच हजार को खाना खिला रहा है और फिर वो खुश हुए कि जो नबी दुनिया में आने वाला था यही है उन्होंने खुदा का जलाल देखा उन्होंने बड़ी रोशनी देखी जब उनकी जिंदगी से तारीकी दूर हुई जब उनकी जिंदगी से गुनाह दूर हुआ जब उनकी जिंदगी के अंदर से मातम दूर हुआ तो गोया मुसाया उनके लिए नूर ठहरा जो जिंदगी देने के लिए आया तो ये प्रॉपसी जो साया ने की जब तो क्राइस यरूशलेम के अंदर यहूदिया के अंदर सामरिया के अंदर बनी इसराइल के दरमियान खिदमत करने लगा तो ये क्लेम किया कि दुनिया का नूर मैं हूं यानी मैं ही तारीकी दूर कर सकता हूं यानी ट्रू जो लाइट है यह रसूल बयान करता है कि क्राइस खुदा का बेटा वो नूर है और ट्रू ट्रू लाइट है यानी इस दुनिया के अंदर कोई और लाइट नहीं है कोई और नूर नहीं है जो तीरगी को तारीकी को गुनाह को मौत को बीमारियों को दूर कर सके और मलाकी की किताब के अंदर लिखा है कि सदाकत वो ताले होगा और लिखा उसकी किरणों में शिफा होगी यानी शिफा उससे निकलती है जिंदगी उससे निकलती है वो ऐसा नूर है जो जिंदगी बख्त है वो ऐसी लाइट है स्पिरिचुअल लाइट है वो ऐसी ट्रू लाइट है जो दुनिया के सोलर सिस्टम की लाइट नहीं है दुनिया के फॉल्स प्रॉफिट की तालीम नहीं है लाइट नहीं है कोई लीडर और कोई रिलीजन मौत को गुनाह को तारीखी को दूर नहीं कर सकता जो आदम के से जिंदगी में आई और जो नाफरमानी के से इसराइल के अंदर आई वो तारीखी कोई दूर नहीं कर सकता था उस तारीखी को दूर करने के लिए नूर दुनिया के अंदर आया लाइट दुनिया के अंदर आई जैसे खुदा ने यूनिवर्स को बनाया तो रोशनी हुई यानी तारीकी को दूर किया उसी तरह रूहानी तौर पर गुनाह को जो इस दुनिया के अंदर था तारीकी इस दुनिया के अंदर थी कौम के अंदर थी गैर कौमों के अंदर थी उस तारीकी को दूर करने के लिए एक नूर आया तो जिस तरह यूनिवर्स के अंदर हमें सोलर सिस्टम मिलता है जो लाइट फराम करता है और पदाइश की किताब पहले बाप की तीसरी आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा तो रोशनी होगी अब ये जो लाइट रोशनी हुई है तो इससे जहान रोशन हो गया और जबूर सतानवे के अंदर लिखा है कि उसकी बिजलियों ने जहान को रोशन कर दिया और जमीन कांपने लगी जब खुदा ने आवाज दी खुदा ने कहा कि नूर हो जा रोशनी हो जा जमीन के ऊपर और सारी कायनात के अंदर नेचर के अंदर जो तारीकी थी घुप अंधेरे थे घेराव के ऊपर जो अंधेरा छाया हुआ था यूनिवर्स के अंदर से एकदम से जब उसने रोशनी कहा तो तारीकी दूर हो गई तारीकी का भागना ही नूर से होता है अगर तारीकी है तो इसका मतलब नूर नहीं है रोशनी नहीं है ज़मीन आसमान को बनाया और खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो सारी यूनिवर्स के अंदर सारी कायनात के अंदर नूर फैल गया और जब हम साइंटिस्ट को पढ़ते हैं तो उनका ये नजरिया जो बिग बैंग थ्योरी है और वो ये कहते हैं कि एक छोटा सा एटम था वो बिग बैंग वो उसका धमाका हुआ और जो एक एनर्जी जो थी वकू के अंदर आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये स्प्रेड होती हुई पूरी यूनिवर्स और लाखों करोड़ों अरबों जो स्टार्स हैं प्लैनेट्स हैं वकू के अंदर आई गलेक्सीज वकू के अंदर आई और ये जो सोलर सिस्टम की बर्थ जो है ये बिग बैंग थ्योरी से आई तो ये रोशनी का सारा निजाम जो बिग बैंग थ्योरी के हवाला से साइंटिस्ट कहते हैं पर बाइबल के अंदर जो जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर थर्ड वर्स में पास बिलीवर्स हमारे पास आया है कि ये खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा ये खुद बिग बैंग धमाका जो बिग बैंग थ्योरी के रूह से जो धमाका हुआ है ये अज खुद नहीं खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो फिर रोशनी होगी और ये रोशनी वैसे ही अगर बिग बैंग का एक बड़ा धमाका एनर्जी वकूक के अंदर आई तो खुदा का यह कहना कि रोशनी हो जा तो एक्चुअली खुदा ने यूनिवर्स को बनाने के लिए डार्कनेस को दूर किया और तारीख की जाती रही तो ये हमें जेनेसिस में ये खुदा के कहने से रोशनी वकूक के अंदर आती है फिर सारा सोलर सिस्टम वकूक के अंदर आता है चौथे दिन खुदा ने नैयर बनाए सूरज चांद और सितारे बनाए अफलाक के ऊपर ताकि ये जमीन के ऊपर रोशनी दे सके हमारे पास जब ये सोलर सिस्टम के अंदर सन को देखते हैं मून को देखते हैं स्टार्स को देखते हैं तो एक इंसान दुनिया के अंदर देखता है कि उसकी रोशनियों से सूरज की रोशनी से सोलर सिस्टम से तारीखी दूर होती है तो खुदा जब खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर रूहानी तारीख की दूर करने के लिए आया जो दुनिया गुप्त अंधेरे में इब्लीस की शरारत की वजह से इब्लीस ने जो नाफरमानी करवाई आदम हवा से और कौम से इसराइल से नाफरमानी की गैर कौमे कौम सभी अंधेरे के अंदर थी उनकी आंखें बंद हो चुकी थी वो ये से खुदा से दूर हो गए थे पहले बाप ने लिखा है कि खुदा की अलूहत और कुदरत इन बनाई हुई चीजों से साफ मालूम होती है कि उसकी कुदरत कैसे पिन है सोलर सिस्टम के अंदर सारे यूनिवर्स के अंदर सारी नेचर के अंदर मगर कोमो ने उस लायक तौर से उसकी ना हालांकि उन्होंने खुदा को जान लिया उसकी क्रिएशन ने ये जान लिया कि वो क्रिएटर है जो ये सारे निजाम को बनाता है सारे सोलर सिस्टम को बनाता है तो बिलीवर्स पास साइमन मगर उन्होंने लायक तौर तो से वर्शिप ना की बल्कि बुद्ध प्रस्ती के अंदर और उन तमाम झूठी चीजों की तरफ रागे हुए और खुदा ने भी उनको उनकी तरफ छोड़ दिया ताकि ये नालायक हरकतें करे और गुनाह के अंदर मर गए तारीखी ने उनको आद बाया और गुनाह और मौत के अंदर वो शिकस्त खाने लगे गुर्बत के अंदर बीमारियों के अंदर नेशन भी और गैर कौमें भी जो थी वो मुश्किल के अंदर यानी मौत के साय के मुल्कों के अंदर जिंदगी बसर करने लगी पर प्रडिक्शन थी कि खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया में आएगा जो ट्रू लाइट है जो हकीकी नूर है तो पस बिलीवर्स जो ग्रीक वर्ड लाइट के हवाला से है फोस, वर्ड है है, जिसका मतलब लाइट है। नूर है रोशनी है और एक लैटिन वर्ड लुसिस है जिसका मतलब है ब्राइटनेस या टू शाइन एक वर्ड हमारे पास हिब्रू और वर्ड आता है या ओरा वर्ड आता है जिसका मतलब भी लाइट ही है और एक बार जो हम शमादान के लिए यूज करते हैं मेनोरा और मेनोरा का जो वर्ड हमें मिलता है जिसका रूट नूर से आता है नूर का मतलब होता है फायर तो हमें आसमान के ऊपर होली स्पिरिट जो लैंडस्टैंड है और हिब्रू में मेनोरा कहा जाता है यानी वो आग का वो शमादान है वो रोशनी है वो बिजलियां हैं जो आसमानों से आती हैं और जब हम इस मेनोरा में और फिर लुसिस वर्ड लेटर के अंदर और ओरा वर्ड के अंदर जब हम लाइट के मानी को देखते हैं तो रूहानी मीनिंग इसका नॉलेज के अंदर आएगा इल्म के अंदर विजडम के अंदर फहम के अंदर वर्ड आएगा होलीनेस के अंदर इसका रूहानी मीनिंग आएगा पाकिजगी के अंदर आएगा और जो बाइबल में क्राइस्ट ने क्लेम किया और युना ने बताया हकी नूर जो दुनिया में आने वाला था हर शख्स को रोशन करता है और लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी तो ये डेफिनेशन जो युना रसूल कर रहा है कि उस नूर में जिंदगी थी तो गोया जैसा कि लाइट के हवाला से ये मानी लिए गए हैं कि वो इल्म में फहम में और पाकिजगी के अंदर मानी आते हैं और ज्यादातर नॉलेज के अंदर जो है लाइट को लिया जाता है जो इंसान की तारीकी को दूर करता है और इल्म से रोशन हो जाता है विजम से हो जाता है रूहानी तौर पर पाकिजगी के बाने के अंदर भी गुनाह से मगर जो यूहन्ना ने डेफिनेशन दी है कि उसमें जिंदगी थी यानी खुदा का बेटा जिंदगी रखता है डिवाइन जो लाइफ रखता है तो वो मौत से हमें निकालता है मौत से निकालना और जिंदगी देना ये लाइट के से है यानी ऐसी लाइट जो जिंदगी अता करती है जो रोशन कर देती है जो मौत को दूर कर देती है गुनाह को दूर कर देती है और खुदा की सी जिंदगी एक शख्स के अंदर आ जाती है जो तमोतीस के खत के अंदर पास बिलीवर्स ये लिखा है कि खुदामंद नूर है खुदामंद उस नूर में रहता है जहां किसी की रसाई नहीं है यानी उस नूर के अंदर खुदा का बेटा यानी यह हवा नूर है और उसके उस नूर के अंदर खुदा का बेटा क्राइस्ट जो है नूर है वो रहता है तो गोया उस नूर तक रसाई जब करने की बात आती है तो दुनिया का नूर जो सोलर सिस्टम है या बिग बैंग थ्योरी के अंदर जो रोशनी हुई है यहां ये रोशनी तो खुदा ने बनाई पर वो खुद जो नूर है वहां तक किसी की रसाई नहीं हो सकती तो खुदा का बेटा उस नूर में रहता यानी यह के अंदर एक नूर खुदा का बेटा जो तजस्व हुआ वो भी लाइट है वो भी नूर है इसका मतलब है वो अबी जिंदगी रखते हैं और कोई गुनाह कोई गुना, ऐब उनकी जिंदगी के अंदर नहीं है कोई नपाकी उनकी जिंदगी के अंदर नहीं है जैसे क्राइस्ट का कोई मुझ में गुना साबित करे और फिर हबकुक की किताब में लिखा है खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि बदी को देख नहीं सकती तो पाक खुदा होली गार्ड जो है तो उसकी पाकिजगी ही नूर है उसकी डिवाइन लाइफ ही नूर है जिसमें मौत नहीं है जिसमें इतमान है तसली है मोहब्बत है हर तरह का एटीब्यूट खुदा की जात के अंदर है तो युहना रसूल ने ठीक टेस्ट मनी आकर दी कि वो खुद तो नूर नहीं बल्कि नूर की यानी जिंदगी की गवाही देने के लिए आया है ताकि हकीकी नूर यानी खुदा का बेटा जो इन नूरों से बढ़कर वो नूरों के बाप से निकला यानी यह से निकला नूर इस दुनिया के अंदर तेजसम के अंदर आया और इस दुनिया के अंदर रोशनी फैलाने लगा तालीम फैलाने लगा जिंदगी फैलाने लगा जहां जहां उसका तलवा टिकता तारीखी दूर हो जाती मौत भागती गुनाह भागता बीमारियां भागती और तो मोजाद करने लगा इसलिए तो बाइबल मुकदस के अंदर लिखा कौमों के गलील के अंदर यदन के पास एक बुजुर्गी देगा और वो जो तारीखी में चलते उनके उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और वो जो मौत के सहायक मुल्क के अंदर रहते थे तो उन पर नूर चमका तो ये नूर खुदा का बेटा मसाया उसने क्लेम किया और जब ये क्लेम किया तो उससे पहले उसने एक बदकार जिनाकार औरत को माफ किया यानी उसके तारीखी को दूर किया तो लोग एक बदकार औरत को वो क्राइस के पास लेके आए कि ये मूसा की तालीम के खिलाफ चलती है और ये एनफेल के वक्त पकड़ी गई है तो वो उसे संसार करना चाहते थे क्राइस ने अपनी उंगली से जमीन पर लिखना शुरू किया कि पहला पत्थर वो इस औरत को मारे जिसने कभी गुना नहीं किया तो जब वो लिखता चला गया तो लोग वो पढ़ते चले गए तहरीरें और हर एक जो है अपना पत्थर छोड़कर वहां से चला गया यानी उन्होंने पत्थर नहीं मारे क्योंकि वो सब तहरीकी के अंदर थे सब गुना के अंदर थे सब बदी के अंदर थे वो मौत के मुल्क के साय के अंदर उस बदकार औरत की तरह हर एक शख्स था तो किसी को ये जरूरत नहीं हुई कि वो पत्थर उठाए क्योंकि उनके अंदर पाकिजगी नहीं थी तो खुदा के बेटे ने उस औरत से कहा कि तुझ पर किसी ने हुक्म चलाया किसी ने तुझे पत्थर मारा तो उसने कहा नहीं तो गोया क्राइस्ट ने फिर उसे कहा कि जा, फिर गुना ना करना तो वो निजात पाकर चली गई उसकी तारीखी दूर होगी उसने माफी मांगी खुदा के से पाकिजगी लेकर चली गई और मुसी ने कहा फिर गुनाह ना करना फिर तारीखी में ना चले जाना फिर तीर्गी के अंदर ना चले जाना वो जो नूर हकीकी नूर जब उस औरत के ऊपर चमका तो उसकी तारीखी जाती रही और इसी तरह यहूदिया सामरिया गलील हर शहर के अंदर हर घर के अंदर हर बाजार के अंदर यसुम सिख खुदा का बेटा नूर फैलाता चला गया तारीखी दूर होती चली गई अपनी जान स्लीप पर कुर्बान करके तारीखी को दूर कर दिया और सिंबल के तौर तो पर जब वो अपनी जान कुर्बान कर रहा था तो सारे मुल्क में अंधेरा छा गया था लिखा उस दिन सूरज दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और उनकी ईदे मात्र में बदल जाएंगी क्योंकि वो, वो सिंह की अलामत थी और उस तरीकी के अंदर तारीखी के अंदर खुदा के बेटे ने अपनी जान कुर्बान की यानी ये बताया जा रहा है कि ये जान इस तारीखी को दूर करने के लिए दी जा रही है दुनिया के गुना को दूर करने के लिए दी जा रही है और जब ने कहा इट इज फिनिश तमाम हुआ अपनी जान दी कफारा दे दिया तो एक दम से तारीखी दूर हो गई यानी मसीह की कुर्बानी से सारी तीर की तारीखी जाती रही यानी गुनाह का खात्मा की मौत से हो गया तो वो इस दुनिया का हकीकी नूर है और जो हकी लाइट है जो इस दुनिया के अंदर आई और मेरी आपकी पास साइमन बिलीवर्स टेपल गॉड की, की क्लिसिया दुनिया के मकदस सारी दुनिया की तीर की तारीखी को दूर कर दिया और हमें रोशन कर दिया है और दुनिया के अंदर जैसे सूरज की रोशनी के अंदर लोग जब चलते हैं तो दुनिया में की जाती है वो अपने काम कर सकते हैं और जब ट्रू लाइट इस दुनिया के अंदर आई तो उसने हमें इस काबिल बना दिया है कि हमारे अंदर की तारीखी दूर हो गई है और जो उसके पास आता है वो जिंदगी पाता है और युना यही कहता है हकीकी नूर हर शख्स को रोशन करता है जिस तरह जबूर 19 के अंदर लिखा है कि वो दुले की मानत अपने खिलबत खाना से निकलता है आसमान के इंतहा से निकलता है यानी सूरज आसमान के इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और हर चीज दुनिया को वो हरारत देता है रोशनी देता है हर एक उसकी तपश को हरारत को रोशनी को लेता है यानी जो सोलर सिस्टम इस दुनिया का सूरज जो दुनिया को रोशन करता है और यूना यह कहता है पर ट्रू जो लाइट है हकीकी नूर जो है खुदा का बेटा जो आफ्ताब सदाकत है उसकी किरणों में शिफा है उसने दुनिया को रोशन कर दिया है उसकी से हर एक शख्स के ऊपर रोशनी हुई तो इसीलिए लिखा तो लाइट है वो हर शख्स को रोशन करता है ये जो हकीकी रोशनी है दुनिया के अरबों लोगों के लिए हर एक के लिए यश्मिक जसम हुआ वो नूर हर एक को रोशन करता है बाइबल में यह भी जो ना कहता है कि दुनिया ने उसको कबूल नहीं किया यानी उस रोशनी को कबूल नहीं किया तारीखी ने उस नूर को कबूल नहीं किया जबकि दुनिया के सोलर सिस्टम के अंदर जब रोशनी कहा तो तारीखी दूर हो गई मगर जब हकीकी नूर आया तो बने इसराइल ने उसको रद्द कर दिया वो तारीखी ही के अंदर है और गैर कौमी भी तारीखी के अंदर पर जब कफारा दे दिया तो लिखा जो कोई इस पर ईमान लाता है हालात ना होगा हमेशा की जिंदगी पाएगा और क्राइस्ट ने क्लेम यह करते हुए कहा जो मेरी पैरवी करेगा यानी जो मुझे फॉलो करेगा जो मुझ पर ईमान लाएगा वो तारीखी में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा यानी हकीकी लाइफ वो पाएगा जहां तक किसी की रसाई नहीं उस नूर तक उस जिंदगी तक जिसकी रसाई नहीं है वो जिंदगी पा जाएगा अगर कोई मुझे फॉलो करेगा मुझ पर ईमान लाएगा

पर वो उसमें तो तारीकी धरी है उसमें झूठ धरा है उसकी वजह से दुनिया तारीकी के अंदर गई है रूहानी तौर पर गुना और मौत का शिकार हुई पर जो ट्रू जो लाइट है ट्रू लाइट खुदा का बेटा दुनिया के अंदर कोई रोशनी नहीं दे सकता कोई जिंदगी नहीं दे सकता इसलिए इब्लीस और उसकी कुफते और फॉल्स रिलीजन और फॉल्स लीडर कोई हकीकी रोशनी नहीं दे सकता कोई किसी की तारीख की दूर नहीं कर सकता कोई किसी का गुनाह दूर नहीं कर सकता कोई मौत को दूर नहीं कर सकता ये हकीकी लाइट ही दूर कर सकती है जो वो जिंदगियों के अंदर आती है जब हम कबूल करते हैं तो हमें रोशन कर देता है और खुदा के लोगों ने ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर न्यू टेस्टमेंट के अंदर जिन्होंने यहवा को जिन्होंने क्राइस को जिन्होंने कलाम को जो नूर है जिन्होंने होली स्पिरिट को जो मनोरा है उनको जाना इस शाम को इस लाइट को इस फायर को जो शाइन करती है जो चमक दे देती है जो ब्राइटनेस दे देती है और लेटर वर्ड लुसिस का यही मानी है टू शाइन ब्राइटनेस के मानी के अंदर लाइट के मानी के अंदर फाइल के मानी के अंदर ये वो हकीकी रोशनी है वो हर एक शख्स को रोशन करती है तो साइमन ब्लीवर्स मैं आप हकीकी रोशनी खुदा का बेटा मिसाया जो नूर है लाइट है टू लाइट है रोशन हो चुके हैं हमारा गुना हमारी तीरगी जाती रही है इसलिए हम रोशनी के अंदर रहे और अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल दें और साबित करें कि ये नूर मेरे आपके अंदर चमका है जिससे तरीकी जाती रही है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि क्राइस्ट ने कहा जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा और युना के हवाला से भी बात करता है कि एक आदमी युना यानी जॉन बैप्टिस्ट मौजूद हुआ वो गवाही के लिए आया और गवाही आकर देने लगा नूर की गवाही देने लगा और वो खुद तो नूर ना था और उसने आते वक्त यही कहा कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता इसलिए आ रहा हूं ताकि वो इसराइल के ऊपर जाहिर हो जाए और जॉन बैप्टिस्ट ने यह भी कहा कि देखो खुदा का बड़ा जो गुना जो दुनिया का गुना उठा लिया जाता है और वो ये कहता है कि मैं तो उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं है जब क्राइस्ट जॉन बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लेने के लिए आया और वो गवाही दे रहा था मसाया की बाबत और बहुत से लोग आकर युहना की तालीम के ऊपर ईमान ले आए थे वो युहना जॉन बैप्टिस्ट से ये कहते थे हम पर तू जाहिर कर दे कि तू क्या मसीह है क्या तू वो नबी है तो उसने ये कहा कि मैं ना वो नबी हूं यानी मसाया जो प्रॉफिट आने वाला वो नहीं हूं मैं तो बियाबान में पुकारने के वाले की आवाज हूं और वो गवाही देने के लिए आया नूर की गवाही देने के लिए आया नूर से पहले उसको भेजा गया ताकि बताए कि तारीखी को दूर करने के लिए खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया के अंदर आने वाला है और जब क्राइस्ट बैप्तिज्म लेने के लिए आया तो उसने कहा मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुताज हूं यानी मैं नूर नहीं हूं तू नूर है मुझसे पहले है मैं तेरे पांव के जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं हकीकी नूर दुनिया में जो आने वाला था हर आदमी को रोशन करता है जॉन बैप्टिस्ट भी उसका आर्जू मन था कि मुझे वो नूर मिले खुदा ने उसको भेजा ताकि वो राह यार करे वो लोगों को बताए और लोग उसकी गवाही सुनने के लिए बियाबान के अंदर आने लगे और बैप्टिज्म लेने लगे और जॉन बैप्टिस्ट ने जब क्राइस्ट को बपतिस्मा दे दिया तो आसमान से खुदा का पाकरू जो था कबूतर की मानत पास साइमन बिलीवर्स क्राइस्ट के ऊपर आकर ठहर गया और बाप ने आसमान से ये कहा ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं यानी हकीकी नूर जो आने वाला था जॉन बैप्टिस्ट जिसकी गवाही दे रहा था दुनिया ने उस वक्त इसराइल ने जो बैप्टिज्म लेने के लिए आ रहे थे जॉन बैप्टिस्ट ने ये देख लिया कि जिसके ऊपर खुदा का रूह उतरता तत्व देखेगा वही नजात देने वाला है वही खुदा का बेटा है तो मसाया खुदा का बेटा जाहिर हो गया और यही जॉन बैप्टिस्ट ने कहा मैं तो बपतिस्मा देता इसलिए आ रहा हूं ताकि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए यानी हकीकी ट्रू लाइट जाहिर हो जाए ताकि वो तारीखी को दूर करे मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूं पर जो तारीखी को दूर करने के लिए आ रहा है वो खुदा का बेटा है तो खुदा का बेटा इस दुनिया में तजस् में आया कबारी मरियम से पैदा हुआ और इस दुनिया के अंदर आकर डिविटी रखता के अंदर उसने सारे अहकाम को फॉलो किया और बैप्टिज्म लेकर फिर वो मनादी करना शुरू किया और यहूदिया सामरिया गलील के अंदर मुनादी करने लगा और जो लोग तारीखी के अंदर थे उनकी तारीखी दूर करने लगा और यहूदिया के अंदर बीमार थे कोड़ी थे मुर्दे थे उनको शिफा देता फिरा और डे नाइट खुदा का बेटा ये रोशनियाँ ये बिजली ये लाइट जो ट्रू लाइट है लोगों की जिंदगी देने लगी और वहां पर शरीयत के अतबार से कोई रास पास नहीं ठहर सकता था शरीयत ने उनको तारिकी से नहीं निकाला हालांकि शरीय तो खूब थी खुदा के काम थे पर वो उस पर अमल ना कर सके और अपनी ट्रेडिशंस के अंदर और ऐसी गलत तालीम के अंदर फंसे हुए थे फॉल्स प्रॉफिट वहां पर थे जो हर दौर के अंदर आते चले गए उनकी आंखें बंद रही उनकी आंखें रोशन ना हो सकी पर खुदा का बेटा जो ट्रू लाइट है वो आया और जैसा मैंने बताया कि एक जिनाकार औरत को उसने माफी दी जिसको संसार करने लगे थे और हर एक जो संसार करने आया था वो खुद तारीखे के अंदर था और ये साबित किया कि जब उनके ऊपर रोशनी पड़ी तो लिखा तारीकी ने रोशनी को कबूल ना किया पर उस औरत ने कबूल कर लिया और क्राइस्ट ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं जिस तरह उस औरत की तारीकी को दूर किया खुदा ने और किया बेश औरत जो सामरिया के अंदर पानी भरने आई थी उसकी तारीकी को उसकी तीरगी को दूर किया वो निजात पा गई और वो कहने लगी के ख्रिस्त मुझे मिल गया क्रिस्टों मुझे मिल गया खुदा का बेटा मसाया मुझे मिल गया यानी टू लाइट जिसने मेरे सब काम जाहिर कर दिए यानी उसके अंदर से की निकल गई और तारीखी उसी वक्त दूर होती है और काम जाहिर उसी वक्त होते हैं जब रोशनी पड़ती है और तारीखी दूर हो जाती है और उसकी गवाही से लोग बचने लगे आज भी खुदा का बेटा मसाया जिसने अपनी जान जानसलीप पर कुर्बान की है इंसान की जिंदगियों को रोशन करता है अपोसल जॉन ने यह ऐलान किया हकीकी नूर यानी ट्रू लाइट जो दुनिया में आने वाली थी खुदा का बेटा मसाया दुनिया में आया पर दुनिया ने तारीखी ने उसको कबूल ना किया यानी वो जो मौत के सहायक मुल्क में रहते थे उन पर रोशनी पड़ी और उनसे बतेरे ईमान ले आए वो खुश हुए पर मजमूरी तौर तो पर इसराइल ने जो ट्रू लाइट को रिजेक्ट कर दिया और तारीखी के अंदर आज तक वो कौम तारीखी के अंदर है पर ईमान हम रखते हैं और वो एक दिन ईमान ले आएगी जिसके लिए हम पिछली बरसात लास्ट ट्रेन के लिए दुआ करते रहते हैं क्योंकि लिखा का एक हिस्सा सख्त हो गया जब तक गैर कौमे पूरी पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा तो साइमन जो हमारे पास तालीम आती है कि हकीकी नूर जो दुनिया में आने वाला था यसुम सि खुदा का बेटा और इसकी वजह से इसराइल तो रिजेक्ट कर दिया पर गैर कौमों ने इस रोशनी को पहचान लिया उन्होंने रोशनी को देखा कौमों की गलील ने उन्होंने उनके ऊपर रोशनी पड़ी जब हम कौमों की गलील कहेंगे तो इसका मतलब है कि दुनिया के लोगों ने निजात पाई उनके ऊपर जो खुदा से दूर थे पर वो जो यरूशलेम के अंदर थे जहां हैकल थी जहां पर शरीय दी गई उन लोगों ने मसीह को रद्द कर दिया पर गैर कौमों ने गैर कौमों की गलील ने उसको कबूल कर लिया वो जो मौत के सार्क के अंदर रहते थे और लिखा है अंधोहगी की तीरगी जाती रहेगी और आज जो हमारे पास गुड न्यूज है कि हम यीशु के नूर से मुनावर हो चुके हैं और ये यही कहता है उठ मुनवर हो तेरा नूर आ गया और मलाकी की किताब के अंदर जैसा लिखा है कि आफ्ताबाकत तुझ पे ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा है यानी वो जिंदगी अता करता है वो शिफा अता करता है और तुम गाओ खाना के बछड़ो कि मानद उछलोगे कूदोगे फांदोगे यानी खुशी बनाओगे और ये खुशी का इजहार हम इस दुनिया के अंदर करते हैं और क्लिस में वर्शिप करके साबित करते हैं कि हमारे अंदर खुशी आई है वो मौत जाती रही जाती रही और उन गौ के बछड़ों की तरह जब उनको तबेले से निकाला जाता है वो उछलते हैं कूदते हैं हम जो कैद में थे बंद थे तारीखी के अंदर थे आर ताबाकत के ताले होने से जब नूर पड़ा हमारी जिंदगी से तो गुना जाता रहा मैंने आपने गॉड या मकसो हमने ये को उस लाइट को कबूल कर लिया वो हमारी जिंदगी के अंदर चमका है उसने हमें रोशन कर दिया है तो क्राइस्ट ने यही कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं जो मेरी पैरवी करेगा जो मुझे फॉलो करेगा जो मुझ पर ईमान लाएगा जो मेरी रोशनी को देखकर आएगा वो तारीखी में ना रहेगा तो जो तारीखी से निकलना चाहता है वो रोशनी की तरफ आता है आज भी जो तारीखी में रहना चाहते हैं वो मसाया की तरफ नहीं आते वो कलिसो में नहीं आते वो कलाम के शिनवा नहीं होते मगर जिनकी जिंदगी के अंदर वो तारीखी को दूर करना चाहते हैं और होली स्पेट उनको कायल करता है नए सिरे से पैदा करता है उनके अंदर ये बात एहसास पैदा करता है कि उनको फेलोशिप करनी है उनको कलाम को सुनना है शिनवा होना है अपनी रूह बदन जान में जहां जहां जिस उज के ऊपर तारीखी है उसको दूर करना है रूह बदन जान हमारी रोशन हो यानी होलीनेस के अंदर हो और खुदा के कलाम इल्म से जो तालीम है मुनाबर हो यानी जैसे मिनोरा हेमन के ऊपर वो शमादान और क्षमा के अंदर हम देखते सात जो लैम्प है तो वो सात सेवन लैम्प जो है जो साया की किताब के अंदर हम सेवन स्पिरिट को देखते हैं सेवन स्पिरिट की अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है यानी खुदामंद की रूह हमत बात फेहम की रूह कु की रूह मसरत की रू तो ये सेवन जो एनोइंटिंग सेवन स्पिरिट एनॉइंटिंग है ये सारी हिकमत हमारे सारा उसका इल्म सारा नॉलेज ये मेनोरा ये चमक रहा है हमारी जिंदगी के अंदर इसे कलिसियाओं को भी मुराद लिया गया है खेमा इज्तम के अंदर जो शमादान था ये कलिसिया को शो कर रहा है और मुकाशवा की कलिसिया के अंदर जो शमादान है कलिसियाओं को जाहिर करता है और खुदा का बेटा जो मुर्दों में से जी उठा है और उसका चेहरा जो मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है अब वो ऐसे चबकता है जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब तो गोया जिससे हमारी जिंदगी के अंदर दुनिया के अंदर आया उस वक्त उसके चेहरे पे देखो कुछ उस जमाल नहीं क्या हम उसके मुश्ताक हो यानी हमारा गुना लेकर वो ऐसे डिम हो गया उसने अपनी जान गुना के लिए वक्फ कर दी वो सताया गया उसके ऊपर मार पड़ी उसके ऊपर थूका गया उसके मुंह को उसको रसुआ किया गया उसके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया कोड़े मारे गए हमारी बीमारियां हमारी तकसीरें, हमारे गुना सब कुछ ले गया कुछ जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो या तारीखी के अंदर, अंदर आकर हमारी तारीखी उसने अपने ऊपर ले ली उसके चेहरे के ऊपर दुनिया की तारीखी छा गई उसके चेहरे के ऊपर दुनिया की जिल्लत आ गई दुनिया की लानते आ गई दुनिया के गुना और वो मौत जो आदम से सिर्फ नेचर थी सब कुछ उसने अपने ऊपर ले ली लिखा कोई हुसनों जमाल नहीं कोई रोशनी नहीं कोई वो नूर नहीं लग रहा पर वो हकीकी नूर ट्रू लाइट जिसने अपनी जान कुर्बान के करके हमारी तारीख की लेकर अपना नूर हमें दे दिया ताकि हम मुनवर हो जाएं तो यही ये सात उठ मुनवर हो तेरा नूर आ गया और उसने हमारे गुना को लिया अपनी रोशनी देकर हमें नूर ले आया है तो गोया जो हमारे पास तलीम देता है कि जो दुनिया का नूर मैं हूं जो मेरी पैरवी करेगा जो मुझे फॉलो करेगा वो रोशनी के अंदर चलेगा वो नूर में चलेगा और तारीखी उसकी जिंदगी से जाती रहेगी और जॉन कहता है कि हकीकी नूर ट्रू जो लाइट है इस दुनिया में आने वाली थी और उसको मैंने आपने कबूल कर लिया है इसलिए हम ट्रू लाइट के अंदर हमेशा रहे और उसके कलाम को पढ़ते रहे वो हमारी जिंदगी के अंदर चमका है तारीखी दूर हुई है तो, दुनिया ने तो रिजेक्ट कर दिया बने इसराइल ने तो रद्द कर दिया पर जिनको इस नूर की पहचान आई जिनके ऊपर चमका उन्हीं को ये पता है कि हमारे ऊपर चमका है और जिनके ऊपर चमका है वो गवाही देते हैं और जिनके ऊपर चमका नहीं है वो गवाही नहीं देते ना ही वो कृषि में हिफाकत करते हैं और अगर किसी की जिंदगी में चमका है फिर गुनाह में है तो गोया उसने अपना दिल बंद कर लिया अपनी आंखें बंद कर ली हैं वो दुनिया के, है। के अंदर रहना चाहता है मौत के अंदर रहना चाहता है गुनाह के अंदर रहना चाहता है इसलिए वो जिल्लत वाली जिंदगी इस दुनिया में बसर करता है पर अगर रोशन जिंदगी बसर करनी है तो युना की जील में लिखा है हकीकी नूर हर एक को रोशन करता है और बाइबल मुकदस के अंदर पालूस को पतस् को तमाम रसूलों को हम पढ़े उनकी गवाहियां सुने तो वो क्या कहते हैं कि नूर हमारे अंदर चमका है

जब खुदा का बेटा जिसने हमारी जिंदगी को रोशन किया है तो पलोसूल पांचवे बाप दूसरे ग्रंथियों में कहता है कि जिस खुदा ने इस यूनिवर्स के अंदर कहा कि रोशनी हो जा जिसने तारीखी को दूर किया दुनिया दुनिया की तारीखी को लिखा वही नूर हमारे दिलों में चमका यानी कलाम खुदा की वजह से यूनिवर्स के अंदर जो रोशनी हुई तो जब रोशनी हुई तो तारीखी जाती रही तो इसी तरह खुदा का बेटा नूर हमारे अंदर चमका और जब हमारी इस तारीख दुनिया के अंदर चमका तो हम रोशन हो गए अब हर एक की गवाही से साबित होगा जिस तरह पालू कहता है कि वो नूर मेरे अंदर चमका जब वो दमिश की राह के ऊपर जा रहा था क्योंकि वो शरीयत का आलिम था और शरीयत में रह कर वो जिंदगी बसर करता था और मसीहों के खिलाफ था उनको कत्ल करता और दमिश की राह पर जब वो मसीहों को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा था तो पलुससुल मसीहों को शहीद करता उनको बांध कर ले जाता और जब स्तिफरस को शहीद किया गया तो पलुससुल वहां पर था और उसके कपड़ों को लेकर बैठा हुआ था और स्तिफरस की शहादत का भी पलुस के ऊपर बहुत असर हुआ यानी स्तफरस की गवाही ने उसके अंदर काम किया जिस तरह जॉन बैप्टिस्ट गवाही देने के लिए आया नूर की तो स की टेस्ट मनी भी पलूस के ऊपर छाई पर तो भी पलू से चला गया उनको कत्ल करता रहा उनको बांध कर उनके खिलाफ फतवे लेता रहा और जब वो दमिश की राह पे जा रहा था तो आसमान से उसके ऊपर नूर चमका यानी खुदा का बेटा जो ट्रू लाइट है उसके ऊपर चमका हालांकि वहां पर सोलर सिस्टम की भी लाइट है यानी सूरज की रोशनी भी है यसु मसीह जो नूर है वो उन नूरों से बढ़कर है जब वो पालूस की जिंदगी के अंदर चमका तो लिखा है कि उसकी आंखें धुंधला गई उसकी आंखें ब्लाइंड हो गई और वो गिर गया और फिर क्राइस्ट ने उसको कहा कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है क्यों मुझे तंग करता है तो वो कहने लगा ए खुदाम तू कौन है तो क्राइस्ट ने बताया कि वो मसीह खुदा का बेटा यसु नासरी है तो यूं उस नूर को हकीकी नूर का मुक्काश हुआ हकीकी नूर जो जाहिर हुआ पलू जिंदगी में उसके ऊपर चमका उसके अंदर की तीर की जाती रही वो जो गुना कर रहा था वो जो मसीहों को कतल कर रहा था सो यूं दबिश की राह के ऊपर खुदा का जलाल मसीह खुदा का बेटा ट्रू लाइट उसकी जिंदगी के अंदर उसने अपना आप जाहिर किया सऊल के ऊपर तो यूं पालू ससूल जिसका नाम साउल था उसे खुदा के बेटे मसीह को कबूल किया और मसीह के कहने के बाद फिर वो आनिया काहिन के पास गया और उसने उसके ऊपर हाथ रखे और उसकी आंखों को बिनाई मिली शिफा वो पा गया और उसकी आंखों से लिखा है छिलके गिर पड़े वो जो तारीकी के पर्दे शरीयत की पड़े हुए थे जो अमल नहीं करता था जिसने खुदा के बेटे को रद्द कर दिया था और उसकी यूं ये ये तारीखी के पर्दे उसकी आंखों से गिर पड़े और खुदा ने उसको शिफा बख्शी फिर उसने उठकर बैप्टिस्म लिया रुल कुदर से मामूर हुआ और खुदा की जो जो प्रोफसी उसके ऊपर की गई और जो खुदा ने उसको रोया दी कि अब जाकर दुनिया की आंखों को इसी तरह रोशन करे जिस तरह पालू ससूल की आंखें बांध थी वो तारीखी के अंदर था वो तारीखी में रहता हुआ अपने आप को रोशनी के अंदर देखता था पर जब ट्रू लाइट खुदा का बेटा मसाया उसके ऊपर जाहिर हुआ तो उसकी तारीकी जाती रही और अब उसको कहा गया और अमाल की किताब के अंदर ये रोया उसको दी गई गवाही देने के लिए खुदा ने भेजा है और कहा है कि जा कर दुनिया की आंखों को रोशन कर दे वो जो तारीखी के अंदर है जिनकी आंखें बंद है उनको खुदा की तरफ लाए ताकि वो तारीखी से निकल कर खुदा के बेटे की रोशनी में आ जाए नूर में आ जाए जिस तरह उसके ऊपर नूर चमका और उसने कहा जिस तरह कायनात यूनिवर्स के अंदर जिस खुदा ने कहा की दूर हो और रोशनी हो जा वही कहता है मेरे अंदर चमका और इसलिए उसने कहा कि खुदा की पहचान का नूर यानी यसु मसीह के चेहरे से जलवागर हुआ यानी खुदा ने अपना नूर जो नूर में रहता है नूरों का बाप उस जलाल की पहचान का नूर नूर की वजह से मसीह के चेहरे से उसकी जिंदगी में जाहिर हुआ और फिर पलू सहुल के ऊपर भी अब ये नूर आने से यानी पासो सामन मैं आप पलू सहुल पत्रस हार एक खुदा का बंदा अब नूर बन गया है यानी हम नूर के फजंद बन गए हैं उस टू लाइट के मानने वाले हैं उसको फॉलो करने वाले हैं और हमें भी दुनिया का नूर कहा गया है ताकि चिरागों की तरह सितारों की तरह चमके और पलू सहुल फिर पूरे एशिया कांसेप्ट में गया और यशाया में एक प्रोफेसी थी कि वो दुनिया के लिए नूर बनेगा यानी कौमों को तीर्गी से निकालेगा और गैर कौमों कामों को तारीखी से गुनाह से निकालने लगा और एशिया के अंदर हर जगह पर यूनान में अथीने में मकदुनिया के अंदर वो जगह जगह जाकर उनको तारीखी से तीर्गी से निकाला उनकी आंखों को रोशन किया बहुत से शागिर्द बनाए तमोतीस जैसे तीतस जैसे लोगों को खुदा के पास लेके आया बेशुमार उनको रोशनी देने लगा कलाम देने लगा मनवर करने लगा नूर से इंट्रोड्यूस करने लगा तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर खुदा का बेटा वो दाऊद की असल और नसल, नुभ का रोशन सितारा यानी जिस तरह शुभ हो जाती है मेरी आपकी जिंदगी भी शुभ में बदल गई है यानी पालू ससूल ने यही कहा कि मेरे दिल में वो चमका यानी उसको शुभ बना दिया है और वो रोशन हो गया है और फिर रोशनी की तालीम देने लगा कलाम की खिदमत करने लगा और लोगों की आंखों को खोला और खुदा के बेटे ने कहा उनकी आंखों को खोल दे वो जो बंद कर दी गई थी इबलीस ने हवा की आदम की सारी नस्लें इंसानी की उनकी आंखें खोल उनकी आंखें रोशन हो जाए उनकी ब्लाइंडनेस जाती रहेगी से तारीखी से मौत से गुनाह से निकल आए खुदा के बेटे की ये जिंदगी जो पलूस को मिली थी वो ट्रू लाइट को समझता हुआ उसने दुनिया को रोशन कर दिया भी यही कहता है कलाम के हवाला से भी कहता है खुदा का कलाम जो चिराग है इसको पढ़ने से हम अच्छा करते हैं कि इसको पढ़े फिर कहते हैं जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा हमारी जिंदगी में ना चमके तो हम मुन्नवर नहीं हो सकते तो हम हकीकी जो ट्रू लाइट खुदा का बेटा है उसके सामने रहेंगे तो मनवर रहेंगे रोशन रहेंगे हमारी तीर की तारीखी दूर रहेगी और हमें रोशन रहना है क्योंकि ट्रू लाइट इंसान को रूहानी तौर तो पर रोशन करता है वो गुनाह से दूर हो जाता है गुनाह से बच जाता है मसीह के कफारे पर खून पर ईमान लाकर कलाम मुकदस को जो ट्रू वर्ड ऑफ गॉड है जो लाइट है क्योंकि बाइबल मुकदस के अंदर लिखा तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है और पतस भी यही कहता है कि वो चिराग है जो हमारी जिंदगियों के अंदर चमकाए अच्छा करते हो तुम इसे पढ़ते हो तो आज जो शिनमा होते हैं कलाम के आज जो कलाम को पढ़ते हैं और खुदा का बेटा जो ट्रू लाइट है लिखा जब तक पो ना फटे हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर सुबह हो गई हमें पता चल जाए कि उजाला हो गया हमें पता चल जाए कि तारीखी अब मेरी जिंदगी से दूर है वो खुदा का लेपाले फर्जंद है वो खुदा का फर्जंद है वो नूर में चलता है इसलिए हमें गवाही देनी है अपने दिलों को रोशन करना और दूसरों को तारीखे से निकाल कर लाना है लिखता है ऐसा होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा तो हम रोशनी के अंदर रहे और कलिसियो के अंदर साबित कर दे कि हम नूर के फर्जंद है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा बिलीवर जो दूसरे क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि कलिसिया ये नूर के फर्जंद है और इफ्सियों के खाद के अंदर बिलीवर्स ये कहा गया तुम पहले तारीखी थे अब तुम नूर हो यानी नूर के फर्जंद हो तो जब हमने ट्रू लाइट को कबूल कर लिया उसकी पैरवी में चले तो हम तारीखी से निकल गए हैं हम अंधेरों से निकल गए हैं हम घुप अंधेरों से निकल गए हैं गुनाह से मौत से निकल चुके हैं और जैसा पालू सरसूल ने कहा कि जिस तरह यूनिवर्स के अंदर खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा उसी तरह वो मेरे दिल के अंदर चमका है यानी पत्रस कहता है जब तक पो ना फटे शुभ का सितारा तुम्हारे अंदर ना चमके हमें पता हो कि मैं मेरे अंदर उजाला हो गया है मेरे अंदर शुभ हो गई है मेरे अंदर कोई तारीकी नहीं है तो पलूस इस बात की गवाही देता कि वो मेरे दिल में चमका जिस तरह साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग जो एक धमाका हुआ और रोशनी एनर्जी आई और तारीखी दूर हुई और इस कायनात के अंदर स्टार्स प्लेनेट आ गए सोलर सिस्टम की बर्थ हुई और जब हम हिब्रू वर्ड ग्रीक वर्ड फोर्स के हवाला से जो लाइट है हमें शाइन करता है हमें ब्राइटनेस देता है तो गोया जो पलुस कहता है कि खुदा की खुदा के जलाल की पहचान का नूर यानी मसीह ये खुदा की जलाल की पहचान का नूर है जो यस्सु के चेहरा से जलवागार होकर हमें मुनवर करता है और हमारी तीर्गी को तारीकी को दूर किया है हम पहले तारीखी थे रोशनी के अंदर नहीं थे मौत के अंदर थे मौत के साय की वादी में बैठे हुए थे और हर तरह के मुश्किल बीमारी तकलीफ के अंदर थे तो ये जब नूर चमका हमें खुशी मिली अब हम नूर है यानी नूर के फर्जंदों की तरह चले यानी खुदा के जबले पालक फर्जंद फास बन चुके हैं तो हम उसके लिए पालिक फर्जंद है बेटे बेटियां जिस तरह इकलौता बेटा खुदा का वो ट्रू लाइट है उसने भी हमें भी नूर बनाया है और फिलिपियों के खत के अंदर लिखा है कि हम टेड़े और कुरोहों से बचकर बगैर तकरार के जिंदगी बसर करें जिनके दरमियान हम चिरागों की तरह स्टार्स की तरह दिखाई देते हैं तो गोया हमें हमारे अंदर तारीखी नहीं दिखनी चाहिए हमारे घरानों के अंदर तारीखी हमारी जिंदगी में नहीं दिखनी चाहिए पुलिस के अंदर हम नूर के फर्जंद है वहां फेलोशिप करने वाले हों और पथरस भी यही कहता है कि तुम तारीखी थे अब खुदा के बेटे की अजीब रोशनी में बुलाए गए हो वहां पर हमें उसने ले लिया है जब कलिसा में ले लिया है तो उसे कदम शाही कहने का फिर का मुकदस कौम बल्गी था नसल खुदा की खास उम्मत हो जिसको उसे तारीखी से निकाल कर अपने बेटे की अजीब रोशनी में बुलाया यानी ट्रू लाइट के अंदर बुलाया है जिसे होलीनेस जिसे राइजनेस जिसे पाकिजगी जिसे आसमान का नॉलेज इल्म खुदा की जात जहां तक किसी की रसाई नहीं नूर में हमारी रसाई थ्रू क्राइस हो गई है यानी इतना करीब है वो दुनिया का जो नूर के अंदर रहने वाला है वो जो ही कोई उसको कबूल करता है वो अपनी रोशनी में ले लेता है लिहाजा हम नूर के फजंदों की तरह रहे और डैनियल की किताब के अंदर भी यही लिखा है कि हम अब्दुल अब्बास सितारों की मानत चमकेंगे और फिर मुकाशवा की किताब के अंदर भी जब कलों को तालीम दी गई तो लिखा है मैं तुम्हें सुबह का सितारा दूंगा यानी सुबह का सितारा जिस तरह क्राइज सुबह का रोशन सितारा है यानी ब्राइटनेस है वो शाइन करता है हम भी यहां पर अपने बेनकाब चेहरों से खुदा के जलाल को उसके एट्रीब्यूट को दिखाने वाले बने हमारे कामों से पता चले कि हम रोशन हैं हम मुनवर हैं कोई तारीकी का, का काम कोई गुनाह का काम हमारी जिंदगी से नजर ना आए बल्कि रिफाकत रखने वाले रोटी तोड़ने वाले दुआ करने वाले तालीम पाने वाले खुदा के साथ चलने वाले इस टेड़े को दुनिया के अंदर साबित करें चिरागों की तरह स्टार्स की तरह जिस तरह सितारे हर एक को रोशनी देते हैं हम भी स्टार्स जो टू लाइट के हैं हम आसमानी शहर के हैं खुदा जो खुदा के बेटे बेटियां हेमन के हैं हमने अब्दुल आबाद चमकते रहना है सितारों की मानद यानी जिस तरह सितारे हेमन के अंदर चमकते हैं हम आसमानी लोग हैं और यही रोया अब्राहम को दी गई कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा बढ़ाऊंगा आसमान के सितारों की मानद और जमीन के जरों की मानद तो जो खुदा का बेटा आसमानों से आया नूरों के बाप की तरफ से तजसम इस दुनिया में आया उसने हमें अपने फर्जन बनाया है खुदा ने लिपालिक फर्जन तो जब हम जब खुदा के जलाल की पहचान का नूर मसाया वो नूर मसीह के चेहरे से नमाया हुआ तो यही गिनती की किताब में लिखा है कि हमें दुआ करने चाहिए खुदा अपना चेहरा जलवा गर फरमा यानी वो नूर चमका यानी मसाया को हम पर जाहिर कर दिया और खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया में जो उसकी जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर वो जो शाइन करता है वो जो सब का रोशन सितारा है वो हमारी जिंदगियों में वो रिफ्लेक्शन खुदा की जात का अनदेखे खुदा की जात का वो जो नूर में रहता जिस किसी की दिसाई नहीं है थ्रू क्राइस्ट हमारी जिंदगी में वो चमका है आकर वो खुदा के जलाल की पहचान का नूर है वो उसकी जात का परतो है वो है। उसके जलाल का परतो है। जिस तरह लाइट है ट्रू लाइट है उसका बेटा भी ट्रू लाइट है और उसका कलाम भी जो दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है उसने तारीखी को दूर कर मेरी राहों को रोशन कर देता है हम इस दुनिया के अंदर चिरागों की तरह दिखाई दे हमारी राहें रोशन हो क्लिसो के अंदर फेलोशिप करने वाले बने और साबित कर दे हमने अब्दलाबाद रोशन रहना है सुबह का सितारा ये ये रिवार्ड दिया दिया जाएगा ये टाइटल दिया जाएगा टाइटल चमकने वाले स्टार यानी रोशन सितारे हैं यानी इनके अंदर अब कोई तारीखी नहीं है पाकिजगी के अंदर है वो खुदा के जलाल को देखेंगे तो यहां क्लिसो में साबित करना है कि हम ट्रू लाइट को फॉलो करने वाले हैं उसकी पैरवी में चलने वाले हैं वो हर एक आदमी को रोशन करता है उसने मुझे रोशन कर दिया है पालू के अंदर चमका जिस तरह यूनिवर्स के अंदर लाइट खुदा ने भेजी और साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग जो एक धमाका हुआ रोशनी हुई इसी तरह खुदा का बेटा वो हमारे अंदर चमका है और उसने हमारी तारीखी को दूर की है हम कफारे पर ईमान ले आए हैं उसके कलाम के शिनवा होते हैं उस ट्रू लाइट को पहचान गए हैं दुनिया में कोई और ट्रू लाइट नहीं है और ट्रू लाइट सिर्फ खुदा का बेटा जो जिस पर हमारा बिलीव है ईमान है इसलिए हमारे अंदर तारीखी नहीं होनी चाहिए और क्रिस्टोलॉजी की तालीम के अंदर यही है जब हम ट्रू लाइट को जान गए हैं तो फिर तारीखी हमारे अंदर नहीं तो हम नूर के फर्जंदों की माने दो और पालू ससूल यही कहता है ऐस होने वाले जाग वो मुर्दों में से जीव तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा रूमियो तेर में बाप में लिखा है जैसा दिन का दस्तूर है यानी सोलर सिस्टम में सूरज की रोशनी के अंदर लोग चलते हैं इसी तरह जैसा दिन का दस्तूर है यानी हम रोशनी के पसंद है सुबह हमारे अंदर हो गए उजाला हमारे अंदर हो गया है तो लिखा शायस्तगी से चले यानी खुदा के कलाम की पहचान में बढ़ते चले जाए से गफाकत करें और लिखा कि दुनिया के काम अब हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होने चाहिए और साबित कर दे इस दुनिया के अंदर कि हम ट्रू लाइट खुदा के बेटे मसीह पर ईमान लाए उसकी पैरवी करते, करते हैं उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो नूर है इसलिए हमारी जिंदगी में कभी तारीकी नहीं होगी और तारीकी के काम जाहिर तब होते हैं जब तरीके के कामों पर मलामत की जाती है तो गोया वो रोशनी से जाहिर हो जाते हैं इसलिए हमें गुना के खिलाफ बोलना चाहिए उन पर मलामत करनी चाहिए क्योंकि हम नूर हैं इसलिए उनकी जिंदगी से तारीकी को दूर करने वाले होंगे स्ट्रोलोजी की तालीम के अंदर हम खुदा के बेटे इस मम्बे को इस आफ्ताब सदाकत को जिसकी किरणों में शिफा है जो सुख का रोशन सितारा है ट्रू लाइट है उसकी पैरवी में चलने वाले तारीखियों से निकल गए हैं और आसमान की बादशाही में और क्लिसियाओं के अंदर आज हम चमकते दिखाई दे दुनिया के अंदर और अब्दल आबाद चमकेंगे क्रिस्टोलॉजी की, की तालीम को समझता हुआ ट्रू लाइट की डॉक्टर को जानता हुआ बिलीवर्स आपके साथ टेम्पल गॉड की क्लिसिया आपके साथ, आप साथ मिलकर अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि उम्मीद है, है कि आज की डॉक्ट्र जो के ट्रू लाइट हकीकी नूर के हवाला से थी आपने खास बरकत को हासिल किया होगा और आपने गहरे मुकाशवाजात को कि यह सू हकी नूर है और उसने हमें अंधेरों से निकाल के उजालों में ले आया है इस तालीम को आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें नाजिन आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम नौ से बारह बजे है और न्यू सीरीज को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरण दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल योग के हवाला से जिससे लोग बरकत पा रहे हैं आप भी आए और दूसरों को मिलाएं इसी तरह बुध के रोज शाम सात से नौ बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें नोहा की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है इसमें दूसरे खादम भी दूसरे कलिसों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं अगले जुमा ठीक आठ बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और बेदों से भरपूर होगा तब तक के लिए इजाजत दीजिए गॉड ब्लसूल गॉड ब्लस पाकिस्तान आम मेन